हेलो दोस्तों, फील फ्री की स्टूडियो में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है मोहित और आज हम बात करते हैं जो एनजाइटी होती है हमें, एक चीज़ बहुत कॉमन होती है, बहुत कॉमन और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग होती है, जो कि हमारा इंसोमनिया, जिसको बोलते हैं नींद ना आने की बीमारी। और ये इतनी परेशान कर देती है, इतनी परेशान कर देती है, आप लोग बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। आपका खाना पाना सब कुछ यहीं से आपकी पेट खराब हो जाता है, यहीं से आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, यहीं से आपकी पेट की सारी बीमारी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, देखो मेरे पास बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि इसे कैसे ठीक करें, वो तो बताएंगे इस वीडियो में। पहले ये जान लो ये हुआ क्यों। देखो अगर मैं अपनी बात करूँ, देखो मेरे साथ इवेंट हुए थे, मैंने सारी वीडियो में आपको बता दिया, अगर दोबारा बोलूँगा तो फिर उसका कोई फ़ायदा है नहीं। देखो मेरे को भी तो पैनिक अटैक्स आए थे आज से कुछ साल पहले, ठीक है। तो पहला जब आया था तो सब इग्नोर करते हैं, पहला पैनिक अटैक सब लोगों ने इग्नोर करा होता है, किसी ने इसको सिर पे लेके नहीं बैठा होता। ठीक है, इग्नोर हो गया, मस्त जिंदगी, फिर वही 15-20 दिन हो गए। जब 20 दिन बाद मेरे को पैनिक अटैक आया था ना, तो उस टाइम मैंने उसको पहले से कोरिलेट कर लिया था, और उन 20 दिनों के आसपास किसी को हार्ट अटैक आ गया था, किसी कुछ आ गया था। और मेरे दोस्तों ने जो मेरा पहला पैनिक अटैक था, मजाक में बोल दिया था तेरे को भाई हार्ट अटैक कमा होता है ये सब चीज़, तो मैंने बात दिल पे रख ली। तो डॉक्टर के पास वहाँ गए, उन्होंने बोला सब नॉर्मल है, ECG करा, सब नॉर्मल है। तो मैं घर आ गया रात को अपना, बट जब उस रात को मैं आया ना, तो उस रात को मेरे से सोया नहीं गया, उसके साथ वो मेरी डर की रात थी। किसी तरह सोया और सुबह 5:30 बजे नींद खुल गई, और नींद खुलते ही मेरी बेचैनी कि यार मुझे तो कुछ हो रहा है, चलो कुछ सही नहीं है, कुछ हो रहा है, ठीक है। और मैं बताऊँ, जो लोग कार्डियोफोबिया से डरते हैं ना, इतनी देर में 15 मिनट में तुम्हारा काम हो लेता है, तो कार्डियोफोबिया से डरना छोड़ दो। तो मैं डर गया, अस्पताल में गया, तो पहले से मेडिकल नॉलेज काफ़ी रखता था, तो उन्होंने मेरे को एनजाइटी की दवाई दे दी और बीटा ब्लॉकर की दवाई दे दी, जो कि हार्ट रेट कम करने और एनजाइटी मतलब सुलाने वाली, जो क्लोनाजेपाम होती थी, सारी दे दी थी। तो मैंने सोचा ये क्यों थी मेरे को, क्योंकि मुझे शुरू से पता है मेरा कज़न फार्मासिस्ट है, बोलता है तो दवाई ख़राब है दवाई, तो दिमाग में बिलीफ बन रखा था पहले से कि ये ख़राब है। तो मैं घर आया, डरा, घर आते ही मैं वापस पहुँच लूँ वापस हॉस्पिटल कि नहीं, मुझे इमरजेंसी में रख लो थोड़ी देर, मेरे को अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो वही प्राइवेट हॉस्पिटल वाले मना थोड़ी करते हैं, बकरा है जी, लेट जाओ जी, लेट गए, बनने तो बिल भरेंगे, अब क्या है। वापिस मैं घर आ गया, कुछ नहीं हुआ, बट उस दिन से मुझे नींद आनी बंद हो गई, क्योंकि जो डॉक्टर ने मेरे को दवाई भी दी थी ना, एक बार की खुराक दी थी वो, कि अभी शांत हो के चला जाए यहाँ से। फिर मैं सोया नहीं कुछ दिन, बिल्कुल नहीं सोया, दो तीन दिन उठा रहता था, नींद ही नहीं आती थी, इतना बुरा हाल हो गया। फिर आज मतलब पता लगा घर वालों को ऐसी ऐसी दिक्कत है, तो साइकेट्रिस्ट के पास ले गए थे, तो उन्होंने मेरे को नींद की दवाई दी थी, तो मैंने नींद की दवाई खाई, पर उससे भी मेरा हाल इतना बुरा हुआ ना, मेरे को नींद आती थी, मैं रात को 9:30-11 बजे तक सो जाता था, पर 12:30 बजे से लेकर 12:30 से 2:30 बजे के बीच में उठ जाता था मैं। फिर जब एंजाइटी होती थी ना, आसपास कोई माँ बाप बूढ़े हो रखे हैं, वो सोते हैं, उनको क्या बोले, उन्हें कैसे टेंशन दे दे, घर में सब चीज़ की फैसिलिटी, गाड़ी घोड़ा लेके कैसे जाऊँ, चलाने नहीं आता, चलाना आता है बट यहाँ से भूल गया, तो डर लगता है रास्ते में मर जाऊँगा। तो फिर मेन रोड पे घर है, एम्बुलेंस की आवाज़ सुन सुन के ऐसी तैसी होती है, इतना बुरा हाल हो गया था। कुछ दिन में नॉर्मल हुआ, नॉर्मल मतलब 1 घंटा ज़्यादा सोने लगा एंजाइटी की दवाई से, ये सब कुछ हो गया और इससे बुरा भी हुआ, इतना मैं बताना चाहता हूँ आपको, बट अब वो बात है जिससे आपको फ़र्क पड़ेगा और जिससे आपको फ़ायदा होगा। मैंने अपना इसका ट्रीटमेंट कैसे किया मैं बताता हूँ। मैंने ये ठान लिया कुछ भी हो जाए मैं दिन में नहीं सोऊंगा। अगर तुम दिन में सो गए, तुम्हारी एंजाइटी जब तुम आँख खुलेगी ना, तुम पागलों की तरह भटकोगे,
दिन में सोने के बाद एनजाइटी ऐसी होती है, जब उठते हो ना चेस्ट में कंपन पड़े पड़े ऐसे धर हिलता है, अंदर से वाइब्रेशन सी आती है, ऐसी ऐसी फीलिंग आने लग जाती है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने दिन में बिल्कुल सोना छोड़ दिया। इवन अगर मेरे को बैठना भी होता था ना तो भी मैं बेड पे नहीं बैठता था। सबसे बुरी बीमारी होती है बेड पे रहने वालों की, ये चीज़ गांठ मार लो। अगर आपको सोने की प्रॉब्लम है तो बेड से सुबह अगर उठ गए तो रात को सोने के लिए ही बेड पे जाओगे। आराम करना है कुर्सी पे बैठो, लेटना भी बेड पे नहीं है, आँख खोल के कमर लगा के भी नहीं बैठना। मैंने ये चीज़ एक हफ्ता करी और जैसे ही एक हफ्ता करने लगे थे तो रात को मेरी नींद इम्प्रूव होने लगी। बट अगर रात को मेरी 2:30 बजे आँख खुल जाती थी, 3 बजे, तो मैं नहीं सोता था। उसके बाद मैं बेड छोड़ देता था। बेड छोड़ने के बाद मैं चाहे कुछ करता था, छत पे घूमता था, कानों में लीड लगा के गाने सुनता था, पर मैं उस बेड पे वापस नहीं जाता था। 12-13 दिन ऐसे हो गए। फिर एक दिन मेरे को नींद आई, 8:30 बजे रात को सोया मैं, और मैं सुबह आराम से 9-10 बजे उठा। मैं इतना खुश हो गया उठ के, खुश, मैं अगले दिन का वेट करने लगा, रात कब होगी मेरे को सोना है। भाई अगले दिन भी ऐसे सोया तो और अच्छी नींद है। फिर मेरे को किसी ने बोला कि हल्दी वाला दूध पी के सो, तो मैंने बोला चलो भाई हल्दी वाला भी पी के सोइए। भाई हल्दी वाला दूध पी के सोया मैं, मेरे को क्या मस्त नींद आई। 11 बजे तक सोया मैं अगले दिन, और मस्त फ्रेशन अप होके उठा। देखो नींद आपकी सारे फोबिया कम कर देगी, सारे सिम्टम्स डाउन कर देगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ। नींद आ गई तो ऐसे ऐसे करते करते 15 दिन हो गए, मेरा फेस थोड़ा सही हो गया। साइकेट्रिस्ट के पास गया, अपने फ्रेंड ही है मेरे, वो बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े प्रोफेसर है। उससे बोला मोहित नींद कैसी आ रही है, मैं कहा साहब नींद तो आ रही, मज़ा आ रहा है, बिल्कुल बढ़िया हो गई है। तो उसने क्या करा, मेरी गोली 0.5 की जगह 0.25 कर दी, कम कर दी, और कहा एक काम कर, एक हफ्ता ले से, और अगर हाँ नींद आने में कुछ फर्क आ रहा है या पहले जैसा है, अगर कुछ फर्क नहीं आ रहा है तो उसको एक हफ्ते बाद 2 दिन के गैप पे करके बंद कर दियो। भाई मैंने बंद कर दी, ठीक है। तो बंद करने के बाद मुझे नींद मस्त आने लगी। जिस दिन पहले दिन दवाई छोड़ दी नींद मस्त आई ना, उस दिन मेरा ऐसा कॉन्फिडेंस उठ गया, ऐसा कॉन्फिडेंस बन गया कि भाई मैं मस्त सोता दवा दवा के मस्त। अब इतने साल हो गए, अब मुझे बताऊँ कैसी नींद आती है। मैं ये सोच के सोचता हूँ मैं 12 बजे सो जाऊंगा, ठीक है, और सुबह उठूंगा 9:30 बजे, ऐसे आँख खुलती है। कभी आप अपने मन में अलार्म लगा लेते हो, 5:30 बजे उठ जाऊँ तो 5:30 बजे उठ जाता हूँ। तो ना दुश्मन क्या है, बेड। बेड का यूज होता है सिर्फ सोने के लिए, उसमें बैठ के अगर तुम खाना खाओगे, उसमें लेटोगे, तो तुम जिस चीज़ का जो यूज़ गलत वे में करोगे ना, वो तुम्हारा यूज़ बहुत गलत करेगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इतना टाइम मैंने कई कई चीज़ें सीखी, स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअलिटी वगैरह ये सब चीज़ें की, सब में बताया गया ये आराम हराम है, बेमतलब का आराम हराम है। तो भाई आप लोगों से गुजारिश है, आप बेड छोड़ दीजिए, आपकी आधी एंजाइटी ठीक हो जाएगी। मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से, 100% मैं ठीक हुआ हूँ ना। देखो मेरी कंडीशन देखो, आज कितना मस्त, सब कुछ है मेरे पास। अगली आपकी बारी है, ठीक है, 100% हो जाओगे भाई, मैं कह रहा हूँ ना, मैं विश्वास करो, आंखों में आके डाल के कह रहा हूँ, देखो ठीक हो जाओगे, 100% ठीक हो जाओगे, 100% खुशी से बोल रहा हूँ। नींद ठीक कर लो, 100% ठीक हो जाओगे। चलो यार आज की वीडियो में इतना ही था, फील फ्री में बने रहने के लिए आपका स्वागत है। आप मेरे को बताइए ऐसी नेचुरल वीडियो अच्छी लगती है या फिर मैं थोड़ा स्टूडियो टाइप की बनाऊँ इफेक्ट डाल के, तो प्लीज़ इसके लिए कमेंट कर देना नीचे, और प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। देखो लाइक करने से बहुत मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। आज लाइव नहीं आ पाया, कल लाइव मैं लाइव जरूर आऊँगा। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच यार।